चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार की शाम अचानक मौसम में बदलाव हुआ और लगभग डेढ़ महीने के बाद बहुत हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान धूल भरी आंधी भी चली। इसकी वजह से गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन रात में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शुक्रवार को भी आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं शनिवार को मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को एक बार फिर से बादल दिख सकते हैं, जबकि सोमवार से लू का प्रकोप रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस साल अप्रैल में अभी तक 5 दिन लू चली है। इससे पहले अप्रैल 2017 में 6 दिनों तक लू चली थी। इस बार अप्रैल महीने में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 26.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 20-35% रहा। वहीं दिल्ली में शुक्रवार यानी आज अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाने का भी अनुमान है। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और आसमान साफ बना रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में 134 है, नोएडा का AQI खराब श्रेणी में 255 और गुरुग्राम का AQI खराब श्रेणी में 241 रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।